Hello students, now we are going to detect some anion which can be identified by concentrated H2SO4. Nitrate transmitter very important, ये हर examiner का ख्वाहिश होता है कि बच्चा मेरे को nitrate anion का test बताए या क्या कहते हैं कि हमें उसका brown ring test बताए nitrate anion में। तो पहले आप इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। देखिए स्टेप से, ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, हमने क्या किया अभी इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब है, हमने इसके अंदर लिया है कलरलेस सॉल्ट लिया गया है, हमने क्या ऐड किया कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 ऐड करने के बाद यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस क्या होगी, वो थोड़ी सी इवॉल्व होगी। देखो इस तरह से ब्राउन कलर की गैस आ रही है, इसको हम बोलते हैं NO2 गैस। इसके अंदर जैसे ही हम फ्रेशली प्रीपेयर, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेशली प्रीपेयर्ड फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करेंगे तो दोनों के जंक्शन पर एक ब्राउन रिंग, देखो इस टाइप से यहाँ पर एक ब्राउन रिंग बनेगी, ऐसे दोनों के जंक्शन पर क्या बन जाएगा, एक ब्राउन रिंग, ध्यान दो ऐसे, ये इस टाइप से ब्राउन रिंग बनेगा इस सोल्यूशन के और फेरस सल्फेट के जंक्शन पर। इस ब्राउन रिंग को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट या पेंटा एक्वा नाइट्रोनियम आयरन फर्स्ट सल्फेट, ये हमारा क्या ब्राउन रिंग है, इसका फॉर्मूला होता है। तो दिस इज ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। हाँ बेटे देखो, अब हम करने जा रहे हैं नाइट्रेट आयन का टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आयन NO3 पर माइनस, ठीक है, जो कि अब इस वो उसका हम टेस्ट किससे करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। हमने क्या किया, उस सॉल्ट का क्या लिया, वाइट सॉल्ट दिया जाएगा आपको कलरलेस, हमें नहीं पता कौन सा नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट कौन सा, ये हमने उसका क्या किया, एक सोल्यूशन फॉर्म कर लिया। उसके अंदर हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कंसंट्रेटेड, देखना ध्यान से थोड़ा सा, हाँ देखो जैसे ऐड किया गया, देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ना जो गैस लीज हो रही है, देखिए ये आपका है इस टाइप, जो गैस आ रही है वो NO और NO2 दोनों है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रीपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो यहाँ पर अगर नाइट्रेट है, यहाँ देखिए एक बन जाएगा ब्लैक, देखिए ब्राउन रिंग बन रहा है, जहाँ इतना उठा होता जा रहा है, हम थोड़ा और ज़्यादा ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक ब्राउन रिंग बन जाएगा। ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट होता है जो कि FeSO4NO होता है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, जिस उस ब्राउन रिंग के अंदर, देखो ये धीरे धीरे ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्राउन रिंग के पार्ट में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर जो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है थोड़ा ज़्यादा होता तो ये और इंटेंस कलर का होता, इसी ब्राउन रिंग के अंदर आयरन शो करता +1, तो दिस इज कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। थोड़ा सा देखो ये हो सकता है कि रिंग का जो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि हम टैप वाटर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी प्रोसीजर यही है कि हमने उसका सॉल्ट सोल्यूशन लिया, उसके अंदर ऐड किया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हम उसके अंदर क्या ऐड किया, फ्रेशली प्रीपेयर्ड फेरस सल्फेट, इस टाइप से ब्राउनिंग बनेगा, ठीक है।